Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hace falta. नहीं नहीं अभी टाइम ही नहीं मिला. वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉग धनवी और मैं हूँ स्वाति. तो दोस्तों बताइएगा आप लोग सब कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में. और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि चाचा जी आए थे, चाची जी आई थी, भैया आए थे, हर्ष आया था, तो वो लोग सब चले गए. बस एक दो दिन के लिए आए थे और बस राखी के लिए आए थे और काफ़ी दिनों बाद आए थे ना. और फिर मतलब बहुत बुरा लग रहा है, जैसे ना अच्छा नहीं लग रहा, सुना सुना सा लग रहा है. तो फिर मैं सोच रही थी कि जब मतलब होता है मेरे साथ ऐसा कि जब मुझे अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं क्या करती हूँ, अपना जो काम है घर का वो निकाल लेती हूँ और वो सब चीज़ें ना करने लग जाती हूँ. क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बिजी हो जाते हैं तो जो एक सुनापन रहता है या फिर जैसे हमें अच्छा नहीं लगता है ना, हम लोग मतलब हमारा जो माइंड है ना वो उधर से डाइवर्ट हो जाता है, जैसे बिजी हो जाता है. तो इसी कारण मैं सोच रही थी कि चलो अभी ना फ्रिज साफ करना है तो मैं इसको कर लेती हूँ. फ्रिज भी साफ मुझे करना था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, सुना सुना लग रहा था बिल्कुल भी. सच में बहुत बुरा लग रहा है, मतलब जैसे चाचा जी, चाची जी और दोनों भाई आए थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था. सच में ऐसे घर में कोई आता जाता रहता है ना, बहुत अच्छा लगता, मतलब चाहे मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले, चाहे कोई भी आए, बट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो हाँ घर में कोई आया है. क्योंकि हम लोग यहाँ पर तीनों ही रहते हैं और फिर दीदी यहाँ पर रहती है, तो दीदी जैसे हम लोग उनके घर चले जाते हैं, वो लोग वो भी आ जाती है कभी कभी यहाँ पर, जैसे अगर जिया जी के पास टाइम वगैरह रहता है तो, या फिर हम लोग चले जाते हैं तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग का हो जाता है. बट जैसे ये होता है ना दूर से, जैसे कोई नहीं आता है, जैसे मायके वाले ससुराल वाले ज़्यादा नहीं आ पाते हैं और वैसे भी सिचुएशन पता ही है इन सब चीज़ों के कारण ट्रेन भी नहीं चल रही थी, अभी तो चलने लगी है. और फिर जैसे कि मेरे घर में भी मतलब खेती वगैरह है तो फिर जैसे नहीं आ पाते, मेरे घर में भी नहीं आ पाते घर वाले, और मतलब कि जैसे मम्मी पापा भी नहीं आ पाते हैं, ससुराल में तो खेती वगैरह होती है तो वो लोग भी नहीं आ पाते हैं. तो बस यहाँ पर मुझे फ्रिज साफ करना था तो मैं सोच रही थी कि फ्रिज साफ कर लेती हूँ. और ईशू को देखिए, मैंने यहाँ से पूरा सामान निकाल लिया था तो ईशू पता है फ्रिज के अंदर जा रही थी. ये देखिए आप लोग को, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फ्रिज के अंदर चली गई थी और पता वो अंदर भी चली गई थी. फिर मैंने उसका आवाज़ दिया तो ये जो इसको जो मैंने ना ये कांच वगैरह ही फ्रिज का जो कि पार्टीशन वगैरह होता है ना तो मैंने इससे मतलब अच्छा साफ कर लिया है. वैसे तो मैं कभी कभी क्लीन कर लेती हूँ जिससे मतलब स्प्रे वगैरह बना के या फिर नींबू वगैरह से स्प्रे मतलब ऐसे क्लीन कर लेती हूँ और फिर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ना तो इसे मैं लिक्विड वगैरह से वॉश कर लेती हूँ ताकि अच्छे साफ़ हो जाता है. और फ्रिज को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ. मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसको बहुत अच्छे से मैं मतलब पूरा साफ़ कर लूँगी. ऊपर भी पता इतना सारा कुछ ना कुछ जमा हो ही जाता है. वैसे डेली बेस पर तो मैं क्लीन करती हूँ, जैसे बाहर ही बाहर मतलब जैसे बाहर से क्लीन करती हूँ, जैसे अंदर तो नहीं कर पाते ना इतना सारा. हम लोग सोचे कि एक साथ पूरी चीज़ें क्लीन कर लेते, ऐसा नहीं हो पाता है ना. और मैंने ना अपने फ्रिज के लिए जो मेट है, फ्रिज मेट बोलो या फिर मतलब मुझे याद नहीं है उसे क्या कहेंगे, मेट ही कहेंगे, और फ्रिज कवर वगैरह के साथ मिल जाता है. अभी ये आजकल आने लगे हैं जो कि अच्छे रहते हैं और आपके जो फ्रिज के कांच वगैरह है फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी कोई गंदगी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगा. नहीं तो कांच वगैरह पता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा हो रहा था
तो यहाँ पर है ना मैंने पूरे कट कर लिए हैं और फिर यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे रख लिए हैं। ये मुझे चार मिला है और एक मतलब टॉप पर मतलब कि ऊपर फ्रिज के ऊपर ये जो कवर है ना एक कवर मिला है और एक हैंडल को लगाने के लिए मिला हुआ है। तो बस मैंने इसको लगा दिया है और पता है बहुत इजीली जैसे हम लोग इसको निकाल सकेंगे और मतलब वॉश कर सकेंगे और फूटने का डर भी नहीं रहता। जैसे कांच का ये रहता ना तो हमें डर भी लगता है फूट ना जाए, मुझे तो बहुत डर लगता है फूटने का। बहुत केयरफुली पता है इन सब चीज़ों को धोना पड़ता है। ये अच्छा हो जाएगा जैसे कि मेट वगैरह को आप निकाल लो इजीली, मतलब इजीली बहुत इजीली धुल जाएगा और फिर उसको सुखा के आप अंदर रख सकते हो। चाहे तो अगर ज़्यादा गंदा नहीं होता आप ऐसे भी क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर बस मेरे फ्रिज में अभी ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, थोड़ा सा ही सामान है। तो यहाँ पर बस सामान पूरे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकाल निकाल के रख दूँगी। हाँ किसी को कवर लेना होगा तो आप मीशो से ले सकती हो, मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट हर इस पर मिल जाएगा। और मैंने फेस कवर करके ही मैंने मतलब कि सर्च किया था तो मुझे मिल गया था। मुझे जैसे कि मीशो वगैरह पर होता है लिंक वगैरह नहीं होता, इसका कोड होता है, कोड वगैरह मुझे याद नहीं है। अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो मैं मेंशन कर दूँगी, अगर आप मुझे कमेंट्स करके पूछोगे तो मैं मेंशन कर दूँगी देख के। तो बस ये देखिए मेरा जो फ्रिज का कवर है ये मैंने 2 साल पहले लिया था, 2 साल ज़्यादा, हाँ 2 साल ही पहले लिया था। और देखिए कितना ख़राब हो गया, जैसे जैसे इसको चला रहे थे सोचते कैसे कब से रही थी मैं कि इसको ना चेंज करूँगी, बट होता नहीं। हम अगर हम लोग सोचते रहते ना सोचते ही रह जाते हैं। और अब फिर अपन मतलब कि ठान लो नहीं अभी लेना ही है या फिर ऑर्डर ही कर लो तो वो चीज़ आ ही जाती है। तो मैंने ना ये चीज़ ऑर्डर कर ली थी तो इसको ना बस उसमें से सामान वगैरह निकाल के और जेब वगैरह पता है इसके जो पॉकेट वगैरह है ना वो इस कारण भी मतलब जैसे ना सिलाई वगैरह निकल गई थी क्योंकि हम लोग सामान रख देते हैं इतना सारा। तो बस अब इसमें पॉकेट वगैरह है तो फिर वही होता है कि हम लोग सामान रख ही देते हैं। तो इधर साइड में थोड़ा थोड़ा सा सामान रख लूँगी, ज़्यादा सामान नहीं रखूँगी। मैंने इनको भी मना किया कि ज़्यादा सामान मत रखना क्योंकि जैसे की वगैरह रहती है वो थोड़ी हेवी रहती है ना, तो इसी कारण है ना सिलाई वगैरह निकल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे सेट कर लिया है और ये जो पॉट वगैरह है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और हाँ आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो कर लेना, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो एमपी ब्लॉगर धनी के नाम से है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हाँ आपने मेरे सेकेंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना। एक तो आपको लिंक मिल जाएगी मेरे कम्युनिटी पर, आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो नीचे आपको शो हो जाएगा मेरा सेकंड वाले चैनल का आइकन और नेम वगैरह शो हो जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हो। या फिर मैं आपको बता देती हूँ मेरे चैनल का नाम है मी गृहिणी टिप्स एंड ट्रिक, ये चैनल का नाम है मेरा। शायद आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि मी गृहिणी मीन्स की मैंने मराठी में लिखा हुआ है, मीन्स की रखा है मराठी में मी गृहिणी टिप्स एंड ट्रिक। तो आप कम्युनिटी पर जाइएगा या फिर आप मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर जाके आपको एक आइकन शो हो जाएगा नीचे अदर चैनल का, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे जो सेकंड चैनल है उस पर जा सकते हो। तो ये देखिए मैंने कर लिया अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन और जो जो सामान है यहाँ पर सॉस वगैरह एग वगैरह वही सामान मैंने रख लिया है। अभी फ्रिज हमारी पूरी खाली हो चुकी है तो सब्जी वगैरह लाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से मतलब रख लिया है और कितना अच्छा लग रहा है ना, कोई नई नई चीज़ लाना और रखो ना तो बहुत प्यारा लगता है ना, बार बार उसे ही देखने का मन करता है। तो यहाँ पर ये देखिए हैंडल जो मैं बोला था मैं हैंडल कवर भी मिल जाता है, तो देखिए इस तरीके का आपको हैंडल कवर मिल जाता है। इसको मैंने थोड़ा टाइट नहीं लगाया है, मैं इसको टाइट कर लूँगी। और देखिए इसकी क्वालिटी बहुत प्यारी है, आपको बहुत सारी चॉइस भी मिल जाएगी वहाँ पर, आपको जैसे कि बहुत सारी चॉइस मिल जाएगी आपको जो भी लेना है। और बस यहाँ पर मैंने वाटर बैग में जो साई बाबा जी की फोटो वगैरह वो यहाँ पर रख दी है, नमक वगैरह ये सब कुछ मैंने रखा हुआ है जैसे कि हमारे जो डेली यूज में होता है ना ऐसी चीज़ें रख देती हूँ। और बस ये हो गया मेरे फ्रिज का क्लीनिंग और मेकओवर भी हो गया है। तो बस अभी जो सामान है जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग होते हैं ना यूजलेस चीज़ें हम लोग ना रख देते हैं जैसे फ्रिज में, मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं रख देती हूँ, तो वही सब चीज़ें ना मैं उठा के निकाल के फेंक दूँगी। वो कचरा देखिए कितना सारा है, ये भी मैं निकाल के फेंक दूँगी, मैं इसको उठा के फेंक दूँगी। वैसे भी रात हो चुकी है, अभी रात का टाइम है और अभी पता है टाइम भी काफ़ी हो गया है, बस मुझे फ्रिज वगैरह क्लीन करना था ना, दिन में इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलो ईशू तो अभी जल्दी सोएगी नहीं, तो ईशू सोएगी नहीं तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो काम है मैं वो कर लेती हूँ।
और यीशु के पापा भी है, मतलब यीशु को देख लेंगे, जैसे यीशु सोती नहीं तो वो देख लेते हैं, मोबाइल दे देते हैं, वो सो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अभी मोबाइल भी फ्री है और मेरे पास अभी टाइम भी है, यीशु अभी सोई भी नहीं है और दिन में इतना टाइम रहता है नहीं, तो अभी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मेरा ये क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज भी मैंने कर लिया। मेरी छोटी सी फ्रिज है और हम लोग सामने फ्रिज क्यों रखते हैं, जैसे कि मुझे कमेंट्स आया था ना, आप सामने फ्रिज क्यों रखते हो, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा जो किचन है बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, यहाँ तक तो कोई गेस्ट वगैरह आता है ना तो पता, ज़्यादा लोग खाना भी नहीं बना पाते हैं, एक 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 या दो लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, दो लोगों को भी कंजेस्टेड हो जाता है। तो आप समझ सकते कि जो मतलब किचन है वहाँ पर ना इतना जगह नहीं है, बस छोटा सा ही है, तो फ्रिज बिल्कुल भी नहीं आ पाता उसमें। और जो मेरा लास्ट वाला रूम है ना, और उसमें भी इतना सारा सामान है, जैसे कि मेरा अलमेरा रखा हुआ है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है और भी फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो इसी कारण है ना मैंने यहाँ पर रख दिया है, सामने रख दिया है। और बेडरूम में भी नहीं रख सकती हूँ, तो हॉल में बेस्ट है, क्योंकि जैसे कोई आता है कोई जाता है या फिर किसी को कोई चीज़ चाहिए भी रहेगी तो वो क्या इजीली यहाँ से निकाल सकेगा। अगर बेडरूम में भी रखो ना तो होता है ना यार कि हम लोग किसी के बेडरूम में जाने में थोड़ा सा लगता ही है अजीब सा। तो बस यहाँ पर मेरा क्लीनिंग वगैरह हो चुका है, अभी मैं बस झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो चलिए दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर आप मुझे बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करके बताइएगा। और मिलती है न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।